हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग फायर। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे हार्डी प्लांट्स की जिनसे आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इन पौधों से करिएगा ताकि आपका मोटिवेशन भी बना रहे, पौधे जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो यह हमारा गार्डनिंग में जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है। जब हमारे पौधे जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ें बेकार हैं और हम गार्डनिंग करना छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उन पौधों के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे तब भी ये आपके गार्डन में सालों साल बना रहता है। बस इसमें वाटरिंग की थोड़ी ज़्यादा मात्रा नहीं करें, वरना इसकी होगा तो कुछ नहीं लेकिन रूट्स गल जाएंगी, लेकिन ये फिर भी बच जाएगा प्लांट। ये इतना हार्डी प्लांट है। देखिए, ये एक ही प्लांट से मेरा कितना घना प्लांट हो चुका है। ये प्लांट ज़रूर लगाइएगा तो आपको गार्डनिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और हम इसका घर में भी यूज़ कर सकते हैं और भी कई चीज़ों में, दवाइयों में, स्किन केयर में, काफ़ी चीज़ों में ये हमारा प्लांट जो है यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको भी बिना केयर के आप सालों साल चला सकते हैं। और इसमें भी एलोवेरा प्लांट की तरह नीचे से देखिए ये पफ्स निकलते हैं और ये एक प्लांट से ही घने प्लांट, काफ़ी सारे प्लांट हो जाते हैं। ये देखिए कितना सारा घना प्लांट है ये मेरा, और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। थर्ड नंबर पर आता है हमारा यूका का प्लांट। यूका का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। देखिए, ये मैं रोड साइड से लाई थी, ये ऐसे ही पड़े हुए थे, मिट्टी के बगैर भी कई दिन तक ये ऐसे ही पड़े रहे। मैंने सोचा कि मैं इनको लगा दूँ ले जाकर, और देखिए ये तब भी मेरे प्लांट कैसे बच गए हैं। ये इतना हार्डी प्लांट है, इसको बिना केयर, बिना खाद के भी आप ग्रो कर सकते हैं। और जब इसकी ग्रोथ पूरी फुल हो जाती है तो ये बहुत ही देखने में इतना सुंदर प्लांट लगता है, बहुत ज़्यादा। अभी तो ये छोटा पफ है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा पर्सलेन। देखिए, पर्सलेन की ये एक वैरायटी है, एक देसी वाली भी आती है और एक ये वैरायटी है। ये दोनों ही वैरायटी इतनी हार्ड वैरायटी हैं और ये समर प्लांट है। इसमें गर्मियों में कड़ी धूप में भी इतनी फ्लावरिंग होती है इस प्लांट में, बहुत ही सुंदर प्लांट है और ये भी बिना केयर के ही चलता है। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा बोगनवेलिया प्लांट। बोगनवेलिया प्लांट भी देखिए, इसमें बिना केयर के भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैं इसकी ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतनी फ्लावरिंग होती है कि फ्लावरिंग जो है ख़त्म नहीं होती, दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। बिना खाद पानी के भी आप इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। और ये समर प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट जो है कटिंग से ही ग्रो है और देखिए कितना बड़ा प्लांट हो चुका है। बोगनवेलिया की ही ये दूसरी वैरायटी है, ये ड्वार्फ वैरायटी है और वो लॉन्ग वाइन वाली वैरायटी। आप कोई सी भी वैरायटी लगाइएगा और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी सालों साल प्लांट चलता रहेगा। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा गुड़हल का प्लांट। गुड़हल का प्लांट भी हमारा बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये 10-12 साल तक आराम से चलता है। ये देखिए, मेरे पास भी ये कई सालों से प्लांट है और मैं इसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत ही खाद में ये मुझे फ्लावरिंग भी देता है और बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट ग्रो होता है। ये कटिंग के द्वारा भी बनाया जाता है। ये प्लांट जो है कटिंग से ही तैयार है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। कनेर का भी एक समर ग्रोइंग प्लांट है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। आपने देखा भी होगा कि फुटपाथ पर या रोड साइड पे ये प्लांट काफ़ी लगे हुए होते हैं। रोड साइड पे आप जान सकते हैं कि कौन इनकी केयर करता है। ये बिना केयर के ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही ये इसी बोगनवेलिया की तरह ही सालों साल प्लांट बना रहता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा पत्थर चट्टा का प्लांट। पत्थर चट्टा प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये देखिए, ये कटिंग से ही तैयार प्लांट है। और जो बड़ा प्लांट था वो मैंने किसी को गिफ्ट किया है और ये देखिए फिर दोबारा से इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ होगी है। ये प्लांट आप जैसा कि जानते हैं कि जो है मेडिसिनल जो होती है प्रॉपर्टीज़ में भी काम आता है और वैसे भी लोग इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से ग्रो करता है। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा ये सदाबहार। ये देसी सदाबहार है।
देसी सदाबहार ही बहुत हार्डी प्लांट है। देखिए अभी विंटर टाइम है तो जो पत्तियां हैं पत्तियों पर धूल जमा हुई है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसमें इतनी भर भर के फ्लावरिंग होती है और एक प्लांट से ही आप हजारों प्लांट बना सकते हैं। देखिए ये इसके सीड्स गिर गिर के ही अपने आप प्लांट नीचे से निकलते रहते हैं और इसको कटिंग के इस प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा सुदर्शन का प्लांट। सुदर्शन का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये देखिए ये जो प्लांट है ये मैंने सिर्फ एक पफ से ही लगाया था और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो चुकी है और इसी से ही नीचे से इसके बहुत सारे पफ निकलते रहते हैं और उन्हीं से आपका प्लांट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा ये जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये देखिए ये मदर प्लांट है। ये मेरा प्लांट 3 साल से एक ही पॉट में है। 3 साल पहले मैंने ये ख़रीदा था और इसी से मैंने इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। कम से कम 15-16 प्लांट हैं और जिनकी ग्रोथ इसी तरीके से फुल है और बस इसमें आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। ज़्यादा वाटरिंग से ही इसकी जो है रूट गल जाती हैं तभी ये प्लांट मरता है, वरना ये इतना हार्डी प्लांट है कि आप इसमें अगर खाद भी नहीं डालेंगे तो ये हमेशा चलता ही रहता है और कभी आपके गार्डन से नहीं जाएगा।